वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? होपफुली आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड गाइस, मेरा वीडियो होने वाला है, वो एक्चुअली मेरा ब्लॉग होने वाला है। और ब्लॉग मेरा किससे रिलेटेड है आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। ऑब्वियसली आप लोग समझ ही गए होंगे कि मेरा ब्लॉग किस टॉपिक पर होने वाला है। जी हाँ, अच्छा, इस वीडियो को मैं शुरू करने से पहले मैं आप लोग से एक और बात करना चाहूँगी कि मैं अपने यहाँ से मीन्स अपनी मम्मी के यहाँ से मैं कल आई हूँ। सॉरी, मैं वहाँ से जब आ रही थी तो मैं वीडियो नहीं बना पाई, बिकॉज कुछ पर्सनल रीजंस थे, इस वजह से मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई। एक तो पहली बात ये थी कि रात हो चुकी थी कल, मैं काफ़ी रात को यहाँ पर आई थी इस वजह से, और भी कुछ पर्सनल रीज़न थे इस वजह से मैं वीडियो नहीं शूट कर पाई। तो चलते हैं आज की ब्लॉग के बारे में बात करते हैं। आज का जो मेरा ब्लॉग होने वाला है वो तीज से रिलेटेड है। जी हाँ, आप में से मोस्टली लोग जानते होंगे तीज क्या होते हैं। मोस्टली लोग क्या, आई थिंक सभी लोग जानते होंगे कि तीज क्या होता है। तो आज जो है वो तीज है एंड हम लोग का फास्ट है। ये जो फास्ट होता है ये काफ़ी टफ फास्ट है। एक्चुअली ये जो फास्ट होता है वो पूरे दिन, ऐसा पूरा दिन एंड पूरी रात के लिए होता है, निर्जल होता है, इसमें पानी तक भी नहीं पीते हैं। एंड मतलब 4 बजे से इसको, 4 बजे मॉर्निंग से इसको शुरू करते हैं एंड नेक्स्ट डे 4 बजे इसको ख़त्म करते हैं। बट ऐसा होता है, बट मैं इस तरीके से नहीं रख रही हूँ। मेरा सिर्फ पूरा दिन का फास्ट होगा एंड रात को मैं तारा देखकर पानी वगैरह, चाय वगैरह मैं पी लूँगी, इस तरीके से मेरा है। क्योंकि कल तक फिर नहीं हो पाएगा यार, परेशान हो जाऊँगी, इस वजह से नहीं कर रही हूँ मैं। तो मैंने सोचा कि आज तीज है और आज का ब्लॉग अगर आप लोग के साथ मैं शेयर करूँगी, आज का ब्लॉग मैं शूट करूँगी, आप लोग काफ़ी पसंद करोगे, आप लोगों को काफ़ी अच्छा भी लगता है ब्लॉग्स वगैरह देखना। कुछ मतलब मुझे कमेंट्स करते हैं जो मतलब बहुत रिक्वेस्टेड कमेंट होते हैं कि मैं अपने डेली रूटीन के बारे में आप लोग के साथ शेयर करूँ। हाँ, मैं बिल्कुल शेयर करूँगी अपना डेली रूटीन किस तरीके से क्या होता है, मैं बिल्कुल शेयर करना चाहती हूँ। बट अभी किसी रीज़न से मैं नहीं कर पा रही हूँ। किसी रीज़न का रीज़न यही है कि अभी इस तरीके से मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा है यहाँ पर, कि मुझे मतलब ऐसा लगे मुझे कि मुझे हर एक चीज़ के बारे में आप लोग के साथ शेयर करना चाहिए। अगर आप लोग मेरी वीडियो को प्यार देते हैं, मेरी वीडियो को सपोर्ट करते हैं, देन डेफिनेटली मैं अपना डेली रूटीन भी आप लोग के साथ शेयर करूँगी। फ़िलहाल अगर आप लोग को मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट कर देना एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। तो देखते हैं कि आज किस तरीके से हम लोग इस फास्ट को खोलते हैं एंड हमारी जो हम लोग पूजा वगैरह करेंगे, किस तरीके से पूजा वगैरह करते हैं, उसकी विधि क्या है, वो सब आप लोग साथ आज मैं शेयर करूँगी। एंड आप लोग प्लीज़ मेरे इस ब्लॉग को प्लीज़ सपोर्ट करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो मिलते हैं थोड़ी देर में, तब तक लिए बाय बाय। हे गाइस, सो शाम के अभी 6 बज रहे हैं एंड मैं रेडी होने जा रही हूँ और पूजा की तैयारी करने के लिए हम लोग जा रहे हैं। और मैं दिखाती हूँ मैं किस तरीके से रेडी हो रही हूँ तेज पर, और मेरे यहाँ पूजा किस तरीके से होती है मैं वो भी आप लोग साथ शेयर करूँगी और मैं आप लोग को अभी दिखाऊँगी थोड़ी देर में। तब तक चलती हूँ, स्टार्ट करती हूँ मैं अपनी वीडियो कि मैं किस तरीके से रेडी होती हूँ, और इन्जॉय करो तब तक आप। सबसे पहले मैंने यहाँ पर अपने पैरों में कलर लगा लिया है, आप लोग देख सकते हैं कलर मैंने इस तरीके से लगाया। आप लोगों में से बहुत से लोग जानते होंगे कि कलर क्या होता है और कहाँ के लोग इसको लगाते हैं। जी हाँ, तीज है तो कलर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पैरों में लगाना। एंड मैं यहाँ पर अपना मेकअप स्टार्ट कर रही हूँ। सबसे पहले ग्रीन टी टोनर यूज़ कर रही हूँ मैं, गुड वाइब्स का है मेरा ये। इस तरीके से मैं अपने बिल्कुल लाइट हैंड से मैं इसको यूज़ करूँगी। जैसा कि मैं आप लोग को हमेशा बताती हूँ कि इसको आपको रखना नहीं, आपको इसको यूज़ करना है, फेस पर रब करना है लाइट लाइट। सेकंड मैं यहाँ पर जो यूज़ कर रही हूँ वो मेरा है इसेंशियल ऑयल है, गुड वाइब्स का है, ऑरेंज इसेंशियल ऑयल है, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। एक्चुअली गाइस, मुझे इसकी खुशबू बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं इसको हमेशा यूज़ करती हूँ और इसको हमेशा मैं अपने फर्स्ट प्रायोरिटी में रखती हूँ। इस तरीके से तीसरा जो मेरा स्टॉप है वो मेरा है मॉइस्चराइज़र क्रीम, मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ बिल्कुल थोड़ा सा लेकर। मैं इसको अपने नेक पर भी यूज़ कर ले रही हूँ। मैं हर एक वीडियो में आप लोग देखते होंगे कि मैं सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखती हूँ वो अपने नेक का रखती हूँ, बिकॉज़ मुझे ये तो पता है फेस का मेकअप तो हो ही जाएगा, नेक का कौन करेगा। इसलिए मैं हमेशा अपने नेक का ध्यान रखती हूँ कि फेस और नेक कभी भी अलग नहीं लगना चाहिए, हमेशा इक्वल लगना चाहिए। एंड नेक्स्ट जो मैं यूज़ कर रही हूँ ये मेरा पर्पल का गोल्ड 24 कैरेट गोल्ड प्राइमर है। इस तरीके से मैं यूज़ कर रही हूँ, जिसको यूज़ करने के साथ में फेस इज़ लुकिंग जस्ट लाइक गोल्ड। एक्चुअली गोल्ड तो नहीं, बट फेस बहुत ज़्यादा स्मूथी हो जाता है एंड यही चीज़ मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आता है। ये प्राइमर जो है मेरा फेवरेट है।
एंड नेक्स्ट जो मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ, कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, ऑरेंज कंसीलर यूज़ कर रही हूँ, जहाँ जहाँ पर मुझे लग रहा है कि मेरे यहाँ यहाँ पर डार्क है, मैं वहीं वहीं यूज़ कर रही हूँ। वैसे ओवरऑल फेस में आप लोग देख सकते हैं कि मेरी डार्कनेस कहीं नहीं है, बट जो भी मुझे लाइट दिखता है, मैं मुझे लाइट लाइट सा भी दिख रहा है, ब्लैक ब्लैक सा, मैं वहाँ वहाँ इस कंसीलर को यूज़ कर ले रही हूँ बिकॉज मुझे पसंद है। इस तरीके से मैंने अपने फेस पे कंसीलर भी यूज़ कर लिया है, वो भी अपने हैंड के थ्रू, ब्रश के थ्रू नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कभी कभी अगर हम जल्दी में हों तो ब्रश से बेटर होता है हैंड। इस तरीके से मैं अपने अंडर आई के नीचे भी इसको यूज़ कर ले रही हूँ, थोड़ा सा अपने आईज़ पर भी यूज़ कर रही हूँ ताकि मेरा बेस जो है वो पहले से रेडी होना शुरू हो जाए। एंड नाउ हेयर आई एम यूजिंग कंसीलर, NYV का मेरा ये कंसीलर है। येस गाइस, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि मैं अपना जो भी यूज़ कर रही हूँ प्रोडक्ट, मैं सबके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, यू कैन चेक आउट फ्रॉम देयर। एंड यहाँ पर मैं कंसीलर इस तरीके से यूज़ करूँ, अपने आईज़ पे भी मैंने यूज़ कर लिया क्योंकि मुझे बेस भी रेडी करते हुए चलना है। आई मेकअप मैंने पहले नहीं किया, बाद में मैं करूँगी, आफ्टर माई फेस मेकअप मैं स्टार्ट करूँगी आई मेकअप। इस तरीके से ऑलमोस्ट मेरा जो कंसीलर था वो लगा लिया मैंने, ब्रश के थ्रू मैं यहाँ पर टचअप दे रही हूँ। इस तरीके से मैं कोई कॉम्पैक्ट पाउडर नहीं यूज़ करूँगी आज। एंड नेक्स्ट जो मैं यूज़ कर रही हूँ फाउंडेशन है मेरा, फाउंडेशन मैंने बिल्कुल थोड़ा सा ले रखा है, एज़ यू कैन सी कि मुझे बहुत ज़्यादा बहुत हैवी मेकअप नहीं चाहिए। आप लोग को देख सकते हैं कि मैं बहुत लाइट लाइट प्रोडक्ट लेकर एंड बहुत मिनिमम मेकअप लेकर मैं इसको यूज़ करना चाह रही हूँ अपने फेस पर, और इस तरीके से मैं अपना मेकअप क्रिएट करना चाह रही हूँ। मैं इसको अपने हैंड के थ्रू ही टिप टिप करके मैं इसको कर लूँगी, क्योंकि मुझे कभी कभी फेस से भी बहुत अच्छा, हैंड से भी बहुत अच्छा लगता है जब मैं मेकअप करती हूँ, क्योंकि हैंड से भी हमारा जो मेकअप होता है वो ब्लेंड हो जाता है। यहाँ पर अब अगेन मैंने ब्रश यूज़ किया है और टचअप देने के लिए। एंड नाउ हेयर आई एम यूजिंग आईब्रो पेंसिल, ब्राउन कलर का मेरा ये आईब्रो पेंसिल है, वो भी मेबलिन का है। इस तरीके से मैं इसको अपने आईज आईब्रोज पर लगा ले रही हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा हैवी नहीं चाहिए, डार्कनेस नहीं चाहिए, इसलिए मैं बिल्कुल लाइट यूज़ कर रही हूँ। अपना बेस रेडी करने के लिए मैंने एक गोल्डन कलर उठा रखा है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मेरा जो ब्लाउज़ है वो थोड़ा सा गोल्डन आ रहा है, लोग कढ़ाई जो है गोल्डन आ रहा है, इसलिए मैं गोल्डन कलर अपना बेस दे रही हूँ। इस तरीके से मैं अपना बेस रेडी कर रही हूँ, सेकेंड आईज़ का भी इसी तरीके से मैं अपना बेस रेडी कर लूँगी। एंड मेरी साड़ी आप लोग देख चुके होंगे कि मेरी साड़ी का कॉम्बिनेशन कौन सा है, येस येलो एंड पिंक है, तो मैं यहाँ पर येलो यूज़ कर रही हूँ। येलो भी जो मेरा है बहुत डार्क मैं नहीं करूँगी, बिल्कुल लाइट ही करूँगी, क्योंकि फैमिली में है यार, फैमिली में इतना ज़्यादा यार मेकअप करके अच्छा नहीं लगता, रात का टाइम है, उसके बाद मेकअप उतारना ही है, कहीं जाना तो है, मंदिर भी नहीं जाना है क्योंकि कोरोना तो बिल्कुल आकर एकदम अत्याचार मचा कर रखा है, इसलिए घर में ही पूजा करना है, तो इसलिए मैं घर के अकॉर्डिंग ही रेडी कर रही हूँ। और यहाँ पर मैंने पिंक शेड ले रखा है, वो भी बिल्कुल लाइट उठा रखा है, लाइट तरीके से मैं करूँगी, बहुत डार्क मुझे नहीं चाहिए, इसलिए मैं इसको लाइट कलर से मैं इसको अच्छे से ब्लेंड कर ले रही हूँ। एक्चुअली है तो ये डार्क पिंक बस, मैं इसको थोड़ा थोड़ा सा लेकर कर रही हूँ ताकि ये जो लुक आए ये लाइट आए। इस तरीके से मैं यहाँ पर इस पर टचअप दे दूँगी, ओवर और अपने फेस पर भी टचअप दे दूँगी। कॉम्पैक्ट पाउडर मैंने नहीं यूज़ किया है, मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। एंड यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ आईलाइनर ही, ये भी मेरा NYV का आईलाइनर है। यहाँ पर मैं येलो एंड पिंक दोनों शेड को इकट्ठा करके मैं अपने वाटर लाइन के नीचे यूज़ कर रही हूँ, ताकि मेरा जो ऊपर आई मेकअप और नीचे का बिल्कुल सेम लगे। इस फेस में थोड़ा थोड़ा सा मैं इसको यूज़ कर ले रही हूँ, आप लोग देख सकते हैं बहुत डार्क मैं इसको भी नहीं कर रही हूँ, बिल्कुल लाइट ही कर रही हूँ। एंड यहाँ पर मैं यूज़ करूँगी अब काजल, काजल जो मेरा है वो मेबलिन का है। इस तरीके से मैं बहुत डार्क मुझे काजल भी नहीं लगाना है, इस तरीके से मैं लाइट काजल भी लगाऊंगी। अपने दोनों आईज़ में मैंने काजल भी कम्प्लीट कर लिया है। अब मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी मेरा फेवरेट पर्पल का मस्कारा। एंड गाइज, मैं आज आई लैशेज नहीं यूज़ कर रही हूँ बिकॉज मुझे घर में ही रहना है, एंड पूजा करने के बाद मैं बिल्कुल चेंज वगैरह कर दूँगी, क्योंकि सुबह से कुछ खाया पिया नहीं है, पानी भी नहीं पिया है, तो बहुत ज़्यादा थकान सी महसूस हो रहा है, इसलिए मैं आई लैशेज वगैरह नहीं यूज़ कर रही हूँ। अब मैं लिपस्टिक यूज़ कर रही हूँ, उसके लिए मैं लिप लाइनर मरून कलर का मैंने उठा रखा है। मैरून कलर मैंने किस लिए उठा रखा था आप लोग देख लेंगे कि मरून शेड नहीं आएगा।
ताकि ये लिपस्टिक यूज़ करने के बाद जो मेरा नेचुरल लिप लाइनर होता है वो वही कलर आए, इसलिए मैंने मरून शेड उठा रखा था। आप लोग देख सकते हैं कि ये जो मरून शेड मैंने लगाया था ये कहीं से दिख नहीं रहा है, इनफेक्ट ये पूरे मेरे लिप्स में ब्लेंड हो चुका है और मेरे लिप का जो आईलाइनर होता है, लिप लाइनर होता है, वो इस उसी में ये छिप चुका है। एंड मैं यहाँ पर अब यूज़ कर रही हूँ ब्लशर यूज़ कर रही हूँ, ब्लशर मेरा मेबलिन का है। इस तरीके से मैं अपना ब्लशर यूज़ करूँ, ब्लशर ये जो मेरा है ये हाइलाइटर का भी काम करता है, अगर मैं हाइलाइटर ना यूज़ करूँ तो भी काम मेरा चल जाएगा। इस तरीके से मैं अपना ब्लशर दोनों अपने चिक बोन्स पर यूज़ कर ले रही हूँ एंड मैं अब यही ब्लशर अपने नोज़ पर यूज़ करूँगी। आप लोग यहाँ खुद ही देख सकते हैं कि बिल्कुल पूरा हाइलाइटर का काम करता है, लेकिन मैं फिर भी थोड़ा सा ब्लशर यूज़ करूँगी अपने चिक बोन को, थोड़ा सा तो पिंकिश बनाना बनता ही यार, इसलिए मैं यहाँ पर अपने चिक बोन को थोड़ा सा पिंकिश कर ले रही हूँ ब्रश के थ्रू से। मैं बहुत सारी चीज़ों को गाइज स्किप कर देती हूँ, यस मुझे पता है मैं स्किप कर देती हूँ, मैं वो सब चीज़ें भी स्किप नहीं करूँगी। आप लोग को पता होगा मैं बहुत सारी चीज़ें स्किप करती हूँ, बट जब मुझे सपोर्ट मिलना यहाँ से शुरू हो जाएगा मैं कभी स्किप नहीं करूँगी, क्योंकि यार जब तक सपोर्ट नहीं मिलता तब तक मज़ा नहीं आता है। चलो कोई बात नहीं, बात करते हैं अब यहाँ पर हेयर स्टाइल की। हेयर स्टाइल यार मैं बिल्कुल सिंपल, बहुत ज़्यादा आज जल्दी में हूँ। एक तो आप लोग देख सकते हैं कि मेरी जो मांग है ये बहुत ज़्यादा, मतलब सीधी नहीं खुलती कभी, ये थोड़ी सी टेढ़ी हो ही जाती है। मैं आज जो हेयर स्टाइल कर रही हूँ मैं वही हमेशा की तरह हेयर स्टाइल कर रही हूँ, आप लोगों को लगता होगा हमेशा एक ही हेयर स्टाइल करती हैं, क्योंकि मैं जब भी वीडियो बनाने बैठती हूँ, जब भी मैं हेयर स्टाइल की बात आती हूँ मुझे कुछ ना कुछ काम आ जाता है। आज तो फिलहाल मुझे पूजा के लिए जाना है इसलिए थोड़ा सा ये सेम हो गया है, बट नेक्स्ट जो मेरी वीडियो आएगी उसमें मेरा हेयर स्टाइल डेफिनेटली चेंज होगा, इट्स अ प्रॉमिस टू यू।
दिस इज़ द फाइनल लुक। मैं इस तरीके से रेडी हो चुकी हूँ और मैं पूजा के लिए जा रही हूँ क्योंकि मम्मी वेट कर रही हैं। तो देखती हूँ, बाहर जाके देखती हूँ कि पूजा किस तरीके से हो रही है। आप लोग पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से मेरा सारा सामान बिखरा हुआ है, बाद में आके इसको सही करूँगी। एंड फिलहाल मैं चलती हूँ पूजा करने के लिए और वहाँ आपको क्या होता है आपको दिखा दूँगी।
में ना आता हूँ मेरा। Thank you.